इन दिनों प्रदेश भर में पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उज्जैन जिला प्रशासन ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाई है, जिसमें क्षिप्रा नदी के तट पर धार्मिक आधार से जुड़े पौधों का रोपण किया जाएगा। क्षिप्रा नदी के तट पर पीपल, आम सहित अन्य धार्मिक आधारित पौधों को लगाने की योजना बनाई जा रही है। क्षिप्रा नदी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन अब क्षिप्रा के तट पर वृक्ष लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी नोडल कंपनी वन विभाग को ही बनाया गया है। वन विभाग 4 करोड़ की लागत से क्षिप्रा की सुंदरता को बढ़ाने का काम करेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ क्षिप्रा तटों का निरीक्षण भी किया। आधा मीटर जा रहा है यहाँ, इसका जो सीसी कितना, सीसी कितना करता है इसमें? 1.5 फुट। ये देखना, जैसे इसकी स्ट्रेंथ है ना, हाँ, एक बार आप देख लेनी चाहिए। कटाव हो रहा है जी सर, पौधे कम है, कुछ इसमें बड़े पेड़ भी लगा देना। हर जगह 100 पौधे में एक पीपल, हर 10-10 मीटर एक यार वो भी कर देना, बेल भी कर देना, बेल लगेगा। उज्जैन जिला कलेक्टर मनीष सिंह, संभागायुक्त एमबी ओझा और वन विभाग की टीम ने क्षिप्रा नदी के किनारों का दौरा किया और क्षिप्रा को सुंदर बनाने की ओर काम करने का फैसला लिया। इसके लिए नोडल कंपनी वन विभाग को ही बनाया गया है, जो क्षिप्रा के किनारों पर पौधे लगाने का काम करेगी, साथ ही 3 साल तक उनका रखरखाव भी करेगी। जिला प्रशासन ने क्षिप्रा के तट को सुंदर करने के लिए क्षिप्रा के 18 किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्ष लगाने का जो फैसला लिया है, इसमें खास बात यह है कि क्षिप्रा के तट पर जो वृक्ष लगाए जाएंगे वे कहीं ना कहीं धर्म से आधारित वृक्ष होंगे, जैसे पीपल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, आम, बड़ का वृक्ष। ये सभी ऐसे वृक्ष है जो क्षिप्रा की सुंदरता को बढ़ाने का काम करेंगे। वन विभाग क्षिप्रा के तट पर वृक्ष लगाने के बाद उनका रखरखाव पर जोर देगा। प्रशासन हर साल करीब 1 करोड़ रुपया भी क्षिप्रा की सुंदरता पर खर्च करेगा। हाल ही में 4 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम ने 3.5 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। साथ ही 50 लाख रुपए महाकाल मंदिर में क्षिप्रा के लिए लगाई गई दान पेटी से दिए जाएंगे। साथ ही महाकाल में लगी क्षिप्रा दान पेटी से हर साल प्राप्त होने वाले करीब 1 करोड़ रुपए भी क्षिप्रा सुंदरता पर खर्च किए जाएंगे। जिला प्रशासन इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी जमीन के साथ साथ किसानों की जमीन, मंदिर की जमीन को भी चिन्हित कर रहा है, जिनसे सहमति लेने के बाद इस प्रोजेक्ट को उनकी जमीन पर भी शुरू किया जाएगा।